बोला तो कहा कि तुम कौन होता है हॉस्पिटल में, वहीं पर हत्था पाई होने लगा। कंचन मैडम और डीके शर्मा के बीच में पहले से कुछ विवाद था, हाँ मोबाइल पर, मोबाइल पर विवाद था, हाँ माने किससे रिलेटेड? नीतू शर्मा से रिलेटेड, लेबर रूम के ड्यूटी के चलते अनट्रेंड के ड्यूटी लगा ले है, अट्रेंड सबका ड्यूटी नहीं है। अच्छा, तो उस समय तो फिर जब नीतू कुमारी का ड्यूटी था तो फिर कंचन मैडम से कैसे हलगुला हो गया? कंचन मैडम को थ्रेटनी दे रहा था, अच्छा, इसका भी ड्यूटी था, थ्रेटनी दे रहा था। तिवारी जी का क्लिनिक पर रहने वाला होता, प्रभारी सर के क्लिनिक पर रहते हैं, यही से हम लोग को बार बार धमकी देते हैं। कोई मेरा मोबाइल पर 3-4 बार डीके शर्मा टॉर्चर किए, जिसका जो कहेंगे वही प्रभारी सर सुनेंगे कि रोगी कहाँ से आया, कहाँ हुआ। हम कहे कि रोगी आया रोगी गया, हमको बता के थोड़े गया, कहाँ गया ना गया। तो आप फंस जाइएगा, आप रेफर नहीं कराए, एंट्री नहीं कराए, इस तरह से हम पर। हम कहे हम अकेले ड्यूटी में थोड़े थे, नीतू कुमारी साथ थे, वो क्या कर रही थी, वो भी तो करती। हम तो कोल्ड चैन में चल गए थे दवा रिसीविंग करने के लिए, आप पैक करने के लिए। उस समय हम फिर उधर से आते हैं तो देखते हैं कि वार्ड में रोगी नहीं है। तो नीतू कुमारी से पूछे हैं तो बता रही है कि रोगी दीदी कब चल गया, हमको पता नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर डीके शर्मा मेरा हॉस्पिटल में आ गए, एनएम रूम में। और वहाँ आके आप बोले कि कंचन मैडम का ड्यूटी थोड़े है, सिंधु का ड्यूटी है, किसका आदेश से ड्यूटी कर रही है। तो हम लोग स्टाफ में अपना किसी को जरूरत पड़ता है तो आपस में मैनेज करते हैं ड्यूटी के लिए। तो वही बोल रहा था, इसी में हेजे हल्ला गुदाल हुआ तो हेजे आवाज़ सुन के फार्मासिस्ट भी पहुँच गए वहाँ पे। इसी में बदतमीजी दोनों को होने लगा। अच्छा, डीके शर्मा है कौन? आम पब्लिक है, प्रभारी सर के क्लिनिक पर रहते हैं, यही से हम लोग को बार बार धमकी देते हैं। कोई चीज़ का जो कहेंगे वही प्रभारी सर सुनेंगे, माने जो डीके शर्मा कहते हैं वही प्रभारी सर सुनते हैं? वही ना सुने। हमको बुला के आज पूछते इस घटना को, रोस्टर तो चेंज पूछे नहीं, तुरंत 5 मिनट के अंदर में रोस्टर चेंज किए। आज पूछते इस घटना को, रोस्टर तो चेंज पूछे नहीं, तुरंत 5 मिनट के अंदर में रोस्टर चेंज किए। हाँ हम ट्रेंड को हटा दिए, हम ट्रेंड को 3-4 गो के नाम डाल दिए हैं। कुछ भी हो सकता है, उसका जिम्मेदारी डीके शर्मा है। हमको सर नहीं बुलाया, परिवार हम सर साहब के पास जाने के लिए तैयार थे कि सर आएंगे तो हम सर के चैम्बर में जाके बात करेंगे, लेकिन सर हमसे नहीं बात किए, नहीं बुलाए और रोस्टर तुरंत चेंज किए हैं, तो हम नहीं गए सर के पास। अगर प्रभारी सर नहीं उसको समझा रहे हैं और नहीं कुछ कह रहे हैं तो हम आगे जिला बढ़ेंगे। यहाँ डॉक्टर लोग का ड्यूटी नहीं रहता है, डॉक्टर लोग करता है ड्यूटी अनट्रेंड, और अनट्रेंड एलएम के द्वारा लेबर रूम कराया जाता है। डीके शर्मा के द्वारा 2 दिन पर्ची काटा जाता है और पेशेंट को देखा जाता है, ये अनऑथराइज है। बल्कि न वो डॉक्टर है न सरकारी कर्मचारी है, एक अनऑथराइज आदमी है, उसके द्वारा देखा जाता है मरीज को। क्या क्या हुआ है आज? झगड़ा झंझट किसके साथ? कंचन मैडम को अभ्रंश शब्द बोल रहा था, 4 बार 5 बार कॉल किया। कौन? मोबाइल पर डीके शर्मा। अच्छा, उसके बाद हमें लेबर रूम में बैठल था। अच्छा, लेबर रूम में हमने गए स्टाफ के नाते, फार्मासिस्ट के नाते, तो मैंने उस पर गर्म हो गया, बोला तो कहा कि तुम कौन होता है हॉस्पिटल में, वहीं पर हत्था पाई होने लगा। कंचन मैडम और डीके शर्मा के बीच में पहले से कुछ विवाद था, हाँ मोबाइल पर, मोबाइल पर विवाद था, हाँ।